गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वॉरियर एकेडमी। आज फिर हम नेक्स्ट पीवाईक्यू लेके हाजिर हैं आपके सामने। और बच्चों, बहुत से बच्चों के मेरे पास फ़ोन आए और कुछ बच्चों ने मुझे कहा कि सर, जो हम 8 से 10 क्वेश्चन कर रहे हैं, एक्चुअल में वो लेंदी होते जा रहे हैं, यानी कि उनमें टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो बच्चों, ये सिर्फ 8 से 10 क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन बच्चों आपके कम से कम 40 to 50+ क्वेश्चन हम कवर कर रहे हैं। एक्चुअल में इसके पीछे रीज़न क्या है बच्चों, कि जो क्वेश्चन हम ले रहे हैं उसके साथ साथ हम उसका क्यों नहीं हो सकता, यानी कि वो स्टेटमेंट उसकी राइट क्यों नहीं हो सकती, वो भी लेके चल रहे हैं, जिसकी वजह से हमें थोड़ा टाइम ज्यादा लग रहा है। और दूसरा बच्चों ये है कि डायरेक्ट पीवाईक्यू नहीं आएगा आपके, यानी कि जो क्वेश्चन पहले पूछ लिया गया है उस क्वेश्चन को डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा, बस उसकी स्टेटमेंट चेंज करके या उस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन करके पूछा जाएगा। इसलिए बच्चों हम ये भी साथ के साथ देखते चल रहे हैं कि उसकी क्या स्टेटमेंट चेंज हो सकती है या फिर उसको किस टाइप से दोबारा पूछा जा सकता है। तो इस वजह से बच्चों ये जो हमारे पीवाईक्यू, यानी कि जो 10 PYQ हम करते हैं, वो 10 PYQ में हमारा टाइम जो होता है 30 to 35 मिनट का लग जाता है, यानी कि 30 से 35 मिनट लग जाता है। बट बच्चों आपको क्या करना है, इनको रटना नहीं है, आपको ना रटते हुए इनको समझना है, और समझने के साथ साथ पीवाईक्यू के ऊपर और कितने क्वेश्चन कवर हो सकते हैं और कितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी आपको कवर करने हैं। तो बच्चों लेट्स स्टार्ट, आज हम स्टार्ट करते हैं हमारी पीवाईक्यू, जिसमें पहला क्वेश्चन हमारा रहेगा, विच कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर मेड द फॉलोइंग डिक्लेरेशन अबाउट द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905। बंगाल यूनाइटेड इज ए पावर, बंगाल डिवाइडेड विल पुल इन डिफरेंट वेज, डेट इज परफेक्टली ट्रू एंड वन ऑफ द मेरिट ऑफ द स्कीम। बच्चों देखो, हम जब पार्टीशन ऑफ बंगाल पढ़ रहे थे, यानी कि यहाँ पे लॉर्ड कर्जन की पॉलिसीज के बारे में बात की जा रही है बच्चों, और लॉर्ड कर्जन जिन्होंने बंगाल का पार्टीशन किया 1905 में। और बच्चों ये वो टाइम था जिस टाइम एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट के बीच में भी डिस्प्यूट हो गया, और 1907 में कांग्रेस का पार्टीशन हो गया। किस वजह से बच्चों, एक्चुअल में 1905 में जब बंगाल का पार्टीशन हुआ तो हमारे यहाँ पे एक स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ, और स्वदेशी मूवमेंट में विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई, या फिर सीधा जो एक्सट्रीमिस्ट लोग थे, यानी कि जो गरम दल के लोग थे, उन्होंने कहा कि हमें पूरे आधार पे, बड़े आधार पे किसका विरोध करना चाहिए, हमें इन लोगों का, यानी कि जो ब्रिटिशर है इनका विरोध करना चाहिए। बट बच्चों मॉडरेट ये चाहते थे कि इनका विरोध सिर्फ और सिर्फ बंगाल तक सीमित होना चाहिए। तो बच्चों ये जब हम कांग्रेस का फास्ट फेज पढ़ रहे थे तो उसमें हमने कवर किया था कि फास्ट फेज कांग्रेस का खत्म कहां पे होगा, जब बंगाल का पार्टीशन होगा। तो बच्चों इसके राइट आंसर हम चेक करते हैं कि इसका राइट आंसर कौन सा हो सकता है और कौन सा नहीं हो सकता। अब बच्चों जब हम इसमें पहला ऑप्शन लेते हैं, देखो पहला ऑप्शन जब हम इसमें कवर कर रहे हैं बच्चों, तो इसमें हमें ABCD 4 ऑप्शन मिल रहे हैं। तो इसमें एक ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन का, बच्चों ये छोड़ दो आप, बाकी के 3 ऑप्शन क्यों नहीं है। तो बी ऑप्शन को जब हम H.H. रेसले, बच्चों ये ऑप्शन आपका पूरी तरह गलत है, क्योंकि H.H. रेसले ने बंगाल का पार्टीशन नहीं किया था। दूसरा लॉर्ड मिंटो, ये भी बच्चों पूरी तरह गलत है, क्योंकि लॉर्ड मिंटो तो यहां पे 1909 में, यानी कि लॉर्ड कर्जन के बाद आएंगे, और जो मिंटो मार्ले रिफॉर्म लेके आएंगे। तो बच्चों सेकंड ऑप्शन भी हमारा गलत रहेगा। अब थर्ड ऑप्शन पे चलते हैं, सिरी लैंसेट हेयर, यानी कि ये भी ऑप्शन हमारा क्या है, गलत है बच्चों। तो राइट ऑप्शन क्या रहेगा, लॉर्ड कर्जन जो रहेगा हमारा राइट ऑप्शन रहेगा, क्योंकि लॉर्ड कर्जन उस समय बंगाल के, यानी कि भारत के क्या थे, वॉइसरॉय थे बच्चों, और इन्होंने कहा था कि बंगाल जो यूनिटी में बंधा हुआ है, एक्चुअल में उस समय भारत की कैपिटल होती थी कलकत्ता, और इसी समय लॉर्ड कर्जन ने यह कहा था कि कलकत्ता को कैपिटल हम ट्रांसफर करेंगे दिल्ली में। तो बच्चों 1911 में दिल्ली को कैपिटल बनाया गया, तो बंगाल जो एकजुट था वो अंग्रेजों के सामने बड़ी चुनौती पेश कर रहा था, इसलिए बंगाल का पार्टीशन लॉर्ड कर्जन ने किया। तो ये स्टेटमेंट किसकी थी बच्चों, ये लॉर्ड कर्जन की स्टेटमेंट थी। तो राइट ऑप्शन हमारा क्या रहेगा, ए रहेगा। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लॉन्च्ड द बारदोली सत्याग्रह ऑन 4 फरवरी 1928। देखो बच्चों
4 फरवरी 1928 को बारदोली सत्याग्रह किसने प्रारंभ किया? अब बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बारदोली सत्याग्रह किसने प्रारंभ किया, तो इसके ऊपर जब हम बात करते हैं तो बच्चों इसमें हमें चार ऑप्शन मिल रहे हैं। पहला ऑप्शन महात्मा गांधी, तो बच्चों महात्मा गांधी ने बारदोली सत्याग्रह प्रारंभ नहीं किया था, यानी कि ये हमारा गलत आंसर रहेगा महात्मा गांधी से रिलेटेड। अब बच्चों हम बी को छोड़ देते हैं, एक बार सी पे चलते हैं। सी पे चलेंगे तो राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी बच्चों बारदोली सत्याग्रह प्रारंभ नहीं किया था। इसके बाद डी ऑप्शन पे चलते हैं, कल्याण जी मेहता, इन्होंने भी बच्चों बारदोली सत्याग्रह प्रारंभ नहीं किया था। इसका राइट आंसर रहेगा बच्चों बल्लभ भाई पटेल, और बल्लभ भाई पटेल को यहाँ पे एक टाइटल दिया गया बच्चों, जिस टाइटल का नेम था सरदार, यानी कि बल्लभ भाई पटेल के नेम के आगे सरदार कब लगा, तो आपको यही बोलना है जब बारदोली मूवमेंट हुआ, तो बारदोली मूवमेंट से बल्लभ भाई पटेल के नेम के आगे सरदार लगा। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर बच्चों सरदार बल्लभ भाई पटेल, यानी कि बी रहेगा हमारा। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जब हम लेते हैं तो ये भी बच्चों 2017 एनडीए का क्वेश्चन है, 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट डिड नॉट सपोर्ट द कांग्रेस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द सिविल डिसोबिडेंस मूवमेंट? कि भाई देखो सिंपल सा क्वेश्चन, हमने बारदोली सत्याग्रह जब चल रहा था यहाँ पे, ये देखो इन्होंने क्या पूछा, सिविल डिसोबिडेंस मूवमेंट। सिविल डिसोबिडेंस मूवमेंट यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो चल रहा था, उसको कौन सी रियासत ने सपोर्ट नहीं किया, यानी कि कांग्रेस का समर्थन कौन सी रियासत ने नहीं किया था उस समय? तो बच्चों अगर इनके इस क्वेश्चन के बारे में बात की जाए तो ये एनडीए 2017 फर्स्ट का क्वेश्चन है, यानी कि एनडीए 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो बच्चों जो भावनगर है ये नहीं था, यानी कि इसने सपोर्ट किया था कांग्रेस का, तो ये हमारा गलत आंसर रहेगा। इसके बाद अब बी को छोड़ दो, इसके बाद हम चलते हैं सी पे, जूनागढ़। जूनागढ़ ने भी बच्चों सपोर्ट किया था, ये भी गलत आंसर। इसके बाद काठियावाड़, इसने भी बच्चों सपोर्ट किया था, तो हमारा राइट आंसर क्या रहेगा, मैसूर रहेगा। एक्चुअल में बच्चों मैसूर की रियासत में जब अंग्रेजों ने मैसूर को कवर किया तो हमने मैसूर को भी पढ़ा था। मैसूर में 4 एंग्लो मैसूर वॉर हुई ब्रिटिशर के साथ, जो कि 2 लड़ाई हैदर अली के साथ और 2 टीपू सुल्तान के साथ हुई। तो बच्चों सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कांग्रेस को सपोर्ट करने वाला मैसूर नहीं था, यानी कि आपका राइट आंसर क्या रहेगा, बी रहेगा। इसके बाद बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहता है, ये भी बच्चों एनडीए 2017 के फास्ट से रिलेटेड है, यानी कि 2017 के फास्ट में ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया है, और इसमें बच्चों स्टेटमेंट दी गई है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फीचर ऑफ थ्रोट एंड फिलोसफी ऑफ द कंदुकुरी वेरिसलिंगम? भाई कंदुकुरी वेरिसलिंगम की स्टेटमेंट दी गई है यहाँ पे, उसके विचार उनके दर्शन के बारे में पूछा गया है कि वो उनकी सोच कैसी थी, उनकी फिलोसफी कैसी थी। अब बच्चों इसके बारे में क्वेश्चन करते हैं, तो एक्चुअल में कंदुकुरी वेरिसलिंगम के बारे में जब इन्होंने पूछा तो इन्होंने राइट पहली स्टेटमेंट दी, ही बिलीव्ड दैट द साइंस एंड मोरलिटी वर अनकनेक्टेड टू ट्रूथ। बच्चों ये स्टेटमेंट इनकी गलत है, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, तो पहला आंसर हमारा गलत रहेगा। इसके बाद बच्चों हम बी को अभी छोड़ देते हैं, सी पे चलते हैं। सी का क्या है, ही बिलीव्ड दैट लैंग्वेज हैड नो रोल इन इंक्लूडिंग मोरलिटी इन स्टूडेंट्स। ये स्टेटमेंट भी बच्चों पूरी तरह गलत रहेगी। इसके बाद फोर्थ स्टेटमेंट पे चलते हैं, ही डिड नॉट अटेम्प्ट टू बिल्ड ए नेशनल कॉन्शियसनेस ऑन ए कल्चर बेस। बच्चों ये स्टेटमेंट भी पूरी तरह गलत रहेगी। एक्चुअल में जो कंदुकुरी वीरेशलिंगम थे उन्होंने बिलीव्ड इन यूनिवर्सल एजुकेशन, यानी कि पूरी की पूरी सार्वभौमिक जो शिक्षा होती है उसमें वो विश्वास करते थे। वो कहते थे कि सब जगह का एक ही सार्वभौमिक एजुकेशनल मॉडल होना चाहिए, यानी कि वर्ल्ड का एजुकेशनल शिक्षा का मॉडल एक होना चाहिए। इसके अंदर वीरेशलिंगम, कंदुकुरी वीरेशलिंगम ट्रस्ट करते थे। तो बच्चों राइट आंसर आपका क्या रहेगा, डी रहेगा। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ये क्वेश्चन भी एनडीए 2017 सेकंड का है, यानी कि एनडीए का 2017 का जो एग्जाम हुआ, 2017 में जो सेकंड एग्जाम हुआ एनडीए का, उससे रिलेटेड हमारा ये क्वेश्चन है। और इसमें बच्चों स्टेटमेंट क्या दी गई है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नगारा स्टाइल ऑफ टेंपल आर्किटेक्चर। तो इन्होंने देखो बच्चों नागर शैली, देखो हमारे यहां पे मंदिर बनाने की 3 शैलियां थी,
एक नागर शैली, एक बेसर शैली, एक द्रविड़ शैली। एक्चुअल में नागर शैली नॉर्थ इंडिया की थी और द्रविड़ शैली साउथ इंडिया की, और बेसर शैली इन दोनों को मिक्सअप करके जो शैली निकली उसको बोलते हैं बेसर शैली। तो बच्चों इन्होंने स्टेटमेंट दिया आगे, दिस स्टाइल ऑफ टेम्पल्स आर कॉमनली फाउंड इन द एरियाज बिटवीन हिमालय एंड विंध्यास। बच्चों देखो सिंपल सा इन्होंने क्या बोला कि इस शैली के मंदिर आमतौर पर हिमालय और विंध्य के क्षेत्रों में मिलते हैं। अब बच्चों इन्होंने दूसरी स्टेटमेंट क्या दी है, द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर्स ऑफ द स्टाइल इट इज इट्स पिरामिडल पिरामिडल शिखर। बच्चों मैंने आपको बताया था कि जो द्रविड़ शैली के मंदिर थे वो किस टाइप के होते थे, उनका नीचे का एरिया चाकोर होता था और ऊपर इस टाइप से, इसको बोलते हैं बच्चों पिरामिड। बट नॉर्थ जोन में जो मंदिर थे उनका जो ऊपर का होता था बच्चों वो टोम्ब आकार का होता था, मकबरे के आकार का होता था। अब आपको डिसीजन लेना है कि इसमें राइट आंसर क्या रहेगा। तो बच्चों पूरी तरह राइट आंसर, इसकी स्टेटमेंट एक राइट रहेगी और दूसरी स्टेटमेंट पूरी तरह गलत रहेगी। यानी कि जब स्टेटमेंट फर्स्ट को देखते हैं तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी राइट रही और सेकंड स्टेटमेंट हमारी गलत रही। तो इसमें बच्चों आंसर हमारा क्या रहेगा, आंसर इसमें पूरी तरह हमारा ए रहेगा, ओनली ए। क्योंकि जो नॉर्थ के मंदिर बने थे बच्चों उनमें टोम्ब यानी कि मकबरे के आकार का ऊपर टोम्ब आकार का होता था, ना कि पिरामिड नुमा होता था। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। ये बच्चों देखो अशोक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, सम्राट अशोका से रिलेटेड जब क्वेश्चन की बात करते हैं तो हम ये क्वेश्चन एक्चुअल में मौर्य डायनेस्टी से रिलेटेड क्वेश्चन है। और बच्चों मौर्य डायनेस्टी भारत में कब हुई, तो मौर्य डायनेस्टी की अगर हम बात करें तो मौर्य डायनेस्टी बच्चों ये मौर्य डायनेस्टी 323 BCE बिफोर कॉमन एरा में हुई। और इसके प्रथम सम्राट बच्चों कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य, सेकंड बिंदुसार और थर्ड अशोका। अब बच्चों देखो चंद्रगुप्त मौर्य कब बैठे, 323-22 BCE में गद्दी के ऊपर बैठे। और चंद्रगुप्त मौर्य ने गद्दी कब त्याग दी, 298 में। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के फॉलोवर थे, बट बच्चों इसमें क्या पूछ रखा है, अशोका से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रखा है। और इसके बाद बिंदुसार आए, तो बिंदुसार 298 BCE में गद्दी पे बैठा और 273 में बिंदुसार की मृत्यु हो गई। उसके बाद बच्चों सम्राट अशोक गद्दी पे बैठा 269 BCE में। देखो 273 में बिंदुसार की मृत्यु हुई और उसके 4 साल बाद सम्राट अशोक गद्दी पे बैठेगा। तो सम्राट अशोक गद्दी पे बैठेगा तो बच्चों इन तीनों ने अलग अलग धर्म को फॉलो किया, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को, बिंदुसार ने आजीविक संप्रदाय को जो कि मखलीपुत्र घोषाल ने चलाया था, और अशोक ने बच्चों बौद्ध धर्म को फॉलो किया। अब बच्चों अशोक के बारे में इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, अशोक का कनेक्शन विद बुद्धिज्म इज एविडेंस फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग एडिक्ट्स, कि कौन से एडिक्ट्स में अशोक के बौद्ध धर्म के बारे में बताया गया है। अब बच्चों बौद्ध धर्म के बारे में स्पष्ट होता है तो हम पहला इसका आंसर लेते हैं, मेजर रॉक एडिक्स 13। बच्चों देखो मैंने बताया था कि 13 नंबर एडिक्स नंबर 13 या उसकी जो कमांड नंबर 13 थी उसमें फाइट ऑफ कलिंग की फाइट के बारे में बताया गया था, और दूसरा आठवीं जनजातियों के बारे में बताया गया था। तो बच्चों 13 ये आंसर तो हो ही नहीं सकता, गलत है ये आंसर, पूरी तरह गलत है। अब बच्चों रोक एडिक्स 6, बच्चों इसमें क्या बताया गया था, 24x7 राजा प्रजा के लिए उपलब्ध है, जब चाहे प्रजा राजा से आके मिल सकती है। तो इसमें तो बौद्ध धर्म का कोई मतलब ही नहीं भाई, राजा तो सनातन धर्म में भी मिल सकती है, जैन धर्म में भी मिल सकती है, राजा से प्रजा हर एक धर्म में मिल सकती है। तो बच्चों सेकंड आंसर भी नहीं रहेगा। अब बच्चों बात आती है थर्ड पे, माइनर रॉक एडिक्स 1 यानी कि सी ऑप्शन इसमें राइट रहेगा। बच्चों मैंने बताया था कि कमांड नंबर फर्स्ट में अशोक ने क्या किया था, पशु हत्या पे रोक लगा दी थी, एनिमल सेक्रीफाइस पे रोक लगा दी थी, और एनिमल सेक्रीफाइस के साथ साथ सम्राट अशोक ने नर मतलब जो पशु बलि होती थी उसके साथ साथ लीकर कंज्यूमर यानी कि जो शराब पीते थे शराब के ऊपर भी रोक लगा दी, मल युद्ध के ऊपर रोक लगा दी, और उसने कहा कि पूरी तरह नॉन वायलेंस को फॉलो करो, अहिंसा को फॉलो करो। तो बच्चों अहिंसा परमो धर्म है,
किसका है? बुद्धिज्म का। यानी कि इसका ऑप्शन हमारे पास राइट क्या रहेगा? सी ऑप्शन राइट रहेगा। और बच्चों ये क्वेश्चन आया एनडीए 2017 के सेकंड एग्जाम में, तो 2017 एग्जाम का ये क्वेश्चन है बच्चों। अब बात करते हैं इससे नेक्स्ट क्वेश्चन की। बच्चों ये क्वेश्चन देखो, इन द मेसोपोटामिया रिकॉर्ड्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स वाज यूज्ड ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। देखो बच्चों हरप्पा से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। मैंने आपको कहा था कि एंशिएंट हिस्ट्री में हरप्पा सिविलाइजेशन, वैदिक एज और मौर्य डायनेस्टी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। यानी कि एनडीए के एग्जाम से रिलेटेड ये वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा। और ये भी बच्चों क्वेश्चन कब आया? एनडीए 2017 के सेकंड एग्जाम से रिलेटेड है। तो बच्चों इन्होंने पूछा मेसोपोटामिया के अभिलेखों में सिंधु घाटी सभ्यता के लिए कौन से वर्ड का यूज किया जाता था। अब बच्चों जब इसकी हम बात करते हैं कि मेसोपोटामिया की सभ्यता में किसके लिए, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए क्या यूज किया जाता था, तो बच्चों इसमें पहला ऑप्शन दिया इन्होंने दिलमुन। दिलमुन बच्चों पूरी तरह ये गलत आंसर है। एक्चुअल में दिलमुन एक पोर्ट होता था जहां से इंडस वैली सिविलाइजेशन का व्यापार होता था, ट्रेड होता था। तो मैंने बहुत बार बताया कि दिलमुन एक पोर्ट है बच्चों, दिलमुन आंसर नहीं रहेगा। बट बच्चों इसका जो नेक्स्ट आंसर रहा, मतलब नेक्स्ट हमारे पास मिला बी, तो इसका राइट आंसर जो बच्चों रहेगा वो रहेगा बी, यानी कि मेलुहा। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए मेसोपोटामिया की सभ्यता में यूज किया जाता था वर्ड, तो मेलुहा आपको ध्यान रखना है। और बच्चों मेगन और फैलेगा ये भी पूरी तरह गलत वर्ड है, यानी कि ये यूज नहीं किए जाते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा रहेगा जो कि एनडीए 2017 के सेकंड एग्जाम से रिलेटेड है। बच्चों इसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया है? Who among the following was the founder of the Awadh Kingdom in the 18th century? कि 18वीं शताब्दी में जो अवध था उसका फाउंडर कौन था, अवध साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बच्चों अब इन्होंने ऑप्शन दे दिए मुर्शिद कुली खां। बच्चों मुर्शिद कुली खां अवध से रिलेटेड था ही नहीं, ये तो बंगाल से रिलेटेड था, तो ये गलत हो गया। अब देखो अलीवर्दी खां, ये भी बच्चों बंगाल से रिलेटेड था, तो ये भी गलत हो गया। सरफराज खां, ये भी बच्चों बंगाल से रिलेटेड था, तो गलत हो गया। यानी कि राइट आंसर आपका क्या रहेगा? बी रहेगा, शहादत खां यहां पे आपका राइट आंसर रहेगा। बाकी तीनों किससे रिलेटेड है बच्चों? बंगाल से रिलेटेड है और ये एकमात्र अवध से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ये क्वेश्चन भी बच्चों 2017 सेकंड एग्जाम का क्वेश्चन है, यानी कि 2017 के सेकंड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रेवलोग हैज गिवन एन इनसाइट ऑन द रीजन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। भाई किसने अपने यात्रा वृतांत, यानी कि भारत में आया और उसने अपने यात्रा वृतांत में किसके बारे में बताया? मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बताया। मोहम्मद बिन तुगलक बच्चों देखो एमबीटी को हमने पढ़ा था, मोहम्मद बिन तुगलक जब राजा बना, यानी कि ये बच्चों किससे रिलेटेड है? एक्चुअल में ये भारत में एक तुगलक डायनेस्टी आई थी उससे रिलेटेड है। देखो भारत में जब इस्लामिक तुर्की शासन स्थापित हुआ तो पहली डायनेस्टी जो आई बच्चों उसको हम बोलते हैं स्लेव डायनेस्टी, जो कि 1206 AD से स्टार्ट हो गए 1290 AD तक चलती है। और उसके बाद आई बच्चों खिलजी डायनेस्टी जो 1290 AD से 1290 से स्टार्ट होके 1320 तक चलेगी। और उसके बाद आई बच्चों तुगलक डायनेस्टी, और तुगलक डायनेस्टी का सेकंड किंग था जिसका नेम था मोहम्मद बिन तुगलक। और बच्चों इसका टाइम पीरियड, मोहम्मद बिन तुगलक का जो टाइम पीरियड था बच्चों वो 1326 टू 1351 AD था। अब देखो 1326 से 1351 में ये किंग रहा, तो बच्चों इस समय भारत में कौन से ट्रेवलर्स ने यात्रा की थी आपको अब उस पे जाना है। तो बच्चों फ्रेंकोइस बर्नर, इन्होंने तो बच्चों बहुत बाद में यात्रा की थी, तो बच्चों ये नहीं रहेंगे क्योंकि एक्चुअल में इन्होंने किस समय यात्रा की थी? मुगल अंपायर के समय ये आए थे। और मुगल अंपायर कब एस्टेब्लिश हुआ? तो 1526 में, यानी कि ये बात कब की हो रही है? 200 साल पहले की हो रही है। निकोलस मोकी, स्टोरिया डू मोगोर, ये भी बच्चों नहीं रहेगा क्योंकि ये भी मुगल अंपायर के समय आएगा। इसके बाद ट्रेवनियर्स ट्रेवल्स इन इंडिया, ये भी बच्चों नहीं रहेगा। इबन बतूता, इन्होंने बच्चों अपनी एक पुस्तक लिखी थी जिसका नेम था रेहला, ये देखो, और हिंदी में इसको बोलते हैं रेहला।
रेहला में इन्होंने किसके बारे में बताया था? मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बताया था। और बच्चों हो सकता है नेक्स्ट टाइम ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि दिल्ली का काजी किसे बनाया गया था, तो आपको बोलना है इब्न बतूता को दिल्ली का काजी बनाया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। तो बच्चों कौन आया भारत में? इब्न बतूता आया, जिसने किसके बारे में बताया? मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बताया। इसके बाद बच्चों हमारा लास्ट क्वेश्चन, जो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा बच्चों, ये भी बच्चों जब हम बात करते हैं तो एनडीए 2017 सेगिट एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है बच्चों। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए चिश्ती सूफी संत, निम्नलिखित में से कौन चिश्ती सूफी संत नहीं है बच्चों? अब देखो इसकी हम बात कर रहे हैं बच्चों। तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि भारत में 5 सिलसिले आए थे, ये सिलसिले कौन से थे? सूफी सिलसिले इनको बोलते हैं। और एक्चुअल में आपको पीछे मेरा लेक्चर भी मिल जाएगा ऑनलाइन, जिसमें हमने सूफी की बात की थी, सूफी होता क्या था। एक्चुअल में जो सूफी था वो सूफा वर्ड से बना था, और सूफा का मतलब होता है पवित्र, यानी कि पवित्र आत्मा। अगर आपके शरीर पे गंदगी लगी है उससे कोई मतलब नहीं है, आपका मन कितना पवित्र है उसको बोला जाता था सूफी, यानी कि पवित्र मन, पवित्र आत्मा का वास होना मन के अंदर, उसको सूफी बोला जा रहा है। तो बच्चों इसमें हमें देखना है कि किससे रिलेटेड, मतलब जो कौन से संत ऐसे थे जो नहीं थे, कौन से सिलसिले थे? चिश्ती सिलसिले थे। अब चिश्ती सिलसिले के अलावा यहाँ पे कौन कौन से सिलसिले आए बच्चों? तो स्तारी आया, नक्शबंदी आया, इस टाइप के कुल मिला के 5 सिलसिले भारत में एंट्री करते हैं। अब बच्चों ख्वाजा मोइनुद्दीन काकी, ये बच्चों बिल्कुल ये आपका गलत रहेगा, क्योंकि ये चिश्ती सिलसिले से रिलेटेड था। और इन्होंने क्या पूछ रखा है? कौन से रिलेटेड नहीं थे? अब ये ख्वाजा मोइनुद्दीन काकी, ये तो रिलेटेड थे, और बच्चों रिलेटेड थे तो ये आंसर सही नहीं है। अब बच्चों दूसरा छोड़ दो आप, तीसरे पे चलते हैं, निजामुद्दीन औलिया। बच्चों ये भी चिश्ती सिलसिले से रिलेटेड है, और अगर रिलेटेड है तो इनकी तो भाई दरगाह भी बनी हुई है। और कहां पे बनी हुई है? एक्चुअल में जब इनकी बात करें हम दरगाह, तो अजमेर शरीफ में इनकी दरगाह भी है। इसके बाद बच्चों शेख बहाउद्दीन जकारिया, ये भी बच्चों सूफी सिलसिले से रिलेटेड है। तो हमारा राइट आंसर क्या रहेगा? बाबा फरीदुद्दीन गज-ए-शक्कर, बाबा फरीदुद्दीन गज-ए-शक्कर, जिनको फरीद भी बोलते थे, फरीद बाबा भी बोलते थे। तो बाबा फरीदुद्दीन गज-ए-शक्कर बच्चों इसके आपका राइट आंसर रहेगा, यानी कि बी आंसर आपका राइट रहेगा। अब बच्चों जिस प्रकार हमने ये क्वेश्चन किए, तो मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट ये बात बता देता हूं कि इन क्वेश्चनों को रटना नहीं है यार, आपको बिल्कुल भी रटने की कोशिश नहीं करनी है, इन क्वेश्चन को समझना है कि किस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया है। हो सकता है अगली बार यही क्वेश्चन आपका दोबारा रिपीट हो और इसमें से नहीं हटा दिया जाए। अब देखो अगर नहीं को यानी कि नोट को हटा दिया जाता है, निम्नलिखित में से कौन चिश्ती सूफी संत थे? अब भाई थे तो ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और बाकी तीनों के तीनों क्या रहेंगे? ये तीनों रहेंगे, यानी कि क्वेश्चन को दूसरे टाइप से रिपीट करके पूछा जा सकता है। अब हो सकता है इनकी स्टेटमेंट चेंज कर दी जाए, हो सकता है भाई इस बार चिश्ती सिलसिले से रिलेटेड पूछा हो, अगली बार नक्शबंदी सिलसिले से रिलेटेड पूछ ले, सतारी सिलसिले से रिलेटेड पूछ ले। तो इस टाइप से बच्चों आपको ध्यान रखना है कि एक क्वेश्चन से आपके 8 से 10 क्वेश्चन निकलते हैं, तो इनको आपको क्या करना है? अच्छे से कवर करना है, यानी कि अच्छे से समझना है। जय हिंद, जय भारत।